अभी आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल रोकने का फैसला मुअत्तल कर दिया है। अदालत ने ट्रायल जारी रखने की मशरूत इजाज़त दे दी है। सुप्रीम कोर्ट के 6 रुकनी लार्जर बेंच ने 5-1 की अक्सरियत से फैसला सुनाया है। जस्टिस मुसर्रत हलाली ने फैसले से इख्तलाफ किया है। अदालती हुक्मनामे में कहा गया कि अपीलों पर फैसले तक गिरफ्तारियाँ 102 अफराद के ट्रायल का फैसला ना सुनाया जाए। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने एतराज़ के बावजूद बेंच से अलग होने से इनकार किया है। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल रोकने का फैसला मुअत्तल कर दिया है और अदालत ने ट्रायल जारी रखने की मशरूत इजाज़त भी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट के 6 रुकनी लार्जर बेंच ने 5-1 की अक्सरियत से ये फैसला सुनाया है, जबकि जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने फैसले से इख्तलाफ किया। अदालती हुक्मनामे में कहा गया कि अपीलों पर फैसले तक गिरफ्तार 102 अफराद के ट्रायल का फैसला ना सुनाया जाए। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने एतराज़ के बावजूद बेंच से अलग होने से इनकार कर दिया।